दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी एक ऑर्डिनरी इंसान ही है जिसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस करने की काबिलियत है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई एक स्टडी के हिसाब से एक ह्यूमन बीइंग का एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड का है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हमारा मन कितना अनस्टेबल हो गया है। हमें माइंडलेस स्क्रोलिंग की आदत जो हो गई है, फिर हम सोचते हैं कि हमारा पढ़ाई में या किसी काम में ध्यान क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें आदत ही नहीं बची है फोकस करने की, और आदत से ज्यादा हमें पता ही नहीं है कि फोकस करते कैसे है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे कि फोकस करने की ट्रिक्स क्या है और इनकी लगातार प्रैक्टिस से आप फोकस पे मास्टरी हासिल कर सकते हैं और कोई भी काम बड़े ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो क्या है फोकस का मतलब? फोकस यानी आप किसी भी काम को कितने ध्यान से करते हैं, और अटेंशन स्पैन का मतलब है कि आप कितनी देर ये फोकस उन चीजों पर या उन कामों पर रख सकते हैं। फोकस को बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने अर्जुन और चिड़िया की आंख की कहानी तो सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और मेरी आवाज में ये कहानी ध्यान से सुनिए। एनीवेज, उसकी जगह मैं आपको एक दूसरी छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि अर्जुन बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका अटेंशन उन लोगों से बेटर है जो अर्जुन की कहानी देखने के लिए लिंक पे क्लिक करने चले गए। वो जब लौटेंगे तो उनको मैं बता दूं कि आपको इन टिप्स की ज्यादा जरूरत है। तो कहानी एक छोटे से बच्चे और उसकी दादी की है। एक दिन बच्चा नाराज होकर अपनी दादी के पास जाता है और कहता है, दादी माँ, मैंने आपको कितनी बार आवाज दी पर पूजा करते वक्त आपने सुनी ही नहीं, ऐसा कैसे? तो दादी ने हंसकर कहा, पहले तू मेरा एक काम कर, इस सुई में धागा डाल के दे, फिर बताती हूँ। बच्चे ने तेजी से धागे को सुई में डालने की कोशिश शुरू कर दी। काफी बार फेल होकर वो फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसकी दादी ने उसे गहरी सांस लेकर एक ब्रेक लेने को कहा। ऐसा करके उसने फिर एक बार कोशिश की, इस बार धागा अंदर चला गया। बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने जब ऊपर देखा तो दादी वहां नहीं थी। पीछे से दादी की आवाज आई, क्यों तुम्हें पता भी नहीं चला, मैं वहां से उठ के चली गई। तो बच्चे ने चौंक के कहा, हाँ, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा काम में था। तब दादी उसको समझाती है कि जब किसी काम को पूरे ध्यान से करते हो तभी वो काम सफल होता है, और आसपास क्या हो रहा है वो पता भी नहीं चलता। और ऐसे ही जब वो पूजा ध्यान लगा के कर रही थी, उन्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि कोई भी काम अच्छे से करने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं होती, फोकस भी बहुत जरूरी है। हम सबको कहते हुए सुनते हैं कि उसे सक्सेसफुल बनना है, पर ऐसा बनने के लिए मेहनत के साथ फोकस करने की कैपेबिलिटी सब में नहीं होती। इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी ही टिप्स जिससे आपका फोकस गारंटीड इंप्रूव होगा। नंबर 1, मेडिटेशन। मेडिटेशन कई टेक्निक से कर सकते हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, या फिर अपने माइंड को किसी एक वस्तु, थॉट या एक्टिविटी पे फोकस करके, जिससे कि आप अपने ब्रेन को ज्यादा शार्प और अवेयर रखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं और एक काम और स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड अचीव कर सकते हैं। आजकल माइंडफुलनेस बहुत पॉपुलर है। इसमें आप प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, यानी अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ सांस कैसे ले रहे हैं उस पे होना चाहिए। अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो आपका ध्यान बर्तन पे साबुन कैसे लग रहा है, पानी कैसे आपके हाथों पे गिर रहा है, उसकी आवाज वगैरह पे होना चाहिए। बिना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिए सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह, इससे आपका मन दूसरे थॉट्स पे नहीं भटकेगा और आपको कामनेस फील होगी। आप दिन में कई बार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि ब्रश करते वक्त या फिर खाते वक्त हर निवाले को चबाते हुए। और एक टेक्निक है जिसमें आप अपने नॉन डोमिनेंट हाथ, यानी अगर आप राइटी है तो लेफ्ट हैंड से थोड़े समय के लिए सारे काम करें। आपका काम स्लो डाउन होके आपका फोकस बढ़ेगा। मेडिटेशन की कई और ऐसी ही यूजफुल टेक्निक्स है। अगर आप उन टेक्निक्स को जानना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। नंबर 2, टेक अ ब्रेक। ये सबसे यूजफुल ट्रिक है फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। मैं आपको 2 टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। एक है पोमोराडो मेथड, जिसमें आप 25 मिनट काम करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक में आप आपके काम से बिल्कुल कोई अलग एक्टिविटी करें, जैसे कि कोई पजल सॉल्व करना वगैरह। ये शॉर्ट एक्टिविटी एंड शॉर्ट ब्रेक मेथड है। आजकल जो ज्यादा पॉपुलर है वो है 52/17 टेक्निक। आप 52 मिनट्स का अलार्म लगा के काम करिए और फिर 17 मिनट्स का ब्रेक ले। इन टेक्निक से जब आप फिर से काम शुरू करते हैं तो आप रीएनर्जाइज हो जाते हैं और आपका फोकस फिर से शार्प हो जाता है। आप पढ़ाई में भी इन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, तो दिमाग पे फॉग नहीं जमेगा और एक ही लाइन को 10 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि यार काम नहीं हो रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, या फिर ये फोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, ना ही वो डिस्ट्रैक्शन है, पर हाँ, अगर आप उसके गुलाम बन जाए और हर नोटिफिकेशन पे आप फोन ऑन करके देखेंगे तो वो डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। इसको आपको कंट्रोल करना है। आज मोबाइल में बहुत ऐसे फीचर है जैसे कि म्यूट, डू नॉट डिस्टर्ब, या फिर डिजिटल वेलबींग, जो आपके नोटिफिकेशन और स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करता है। नंबर 4, मल्टीटास्किंग।
दोस्तों हमें लगता है कि अगर हम एक साथ मल्टीपल काम करेंगे तो हम बहुत सारा काम कम टाइम में कर पाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम अच्छा होगा। फोकस एक स्पॉटलाइट जैसा है, एक काम पे रहेगा तो माइंड फुल ब्राइटनेस से उस पर फोकस करेगा, पर अगर 10 काम कर रहे होंगे तो वो लाइट बड़े एरिया को लाइट करने में डिम हो जाएगी। और अगर आपका एक काम पे फोकस रहेगा तो आपका वो काम जल्दी और बिना गलती के खत्म होगा। दैट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसके अलावा दोस्तों आप सही वक्त पे सो के और पूरी नींद लेके उठे, रेगुलर एक्सरसाइज करें, चेस पजल्स वगैरह जैसी गेम्स से ब्रेन को एक्सरसाइज दे और प्रॉपर डाइट ले जिसमें इंस्टेंट नूडल्स, केक्स, बिस्किट्स जैसे हाईली प्रोसेस्ड और शुगर से भरे फूड को अवॉइड करें। दोस्तों अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर हमें वो ट्रिक अच्छी लगती है तो हम आपकी कमेंट को पिन करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले। और अगर आप अर्जुन की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप खबरी पर जाकर उसे सुन सकते हैं। ऐसी और कहानियाँ मैं खबरी पर अपलोड करने वाला हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। So guys, this is Mangesh from the Willpower Star, signing off for the day. Bye-bye.